पहले आप सुनेंगे क्या करना नंबर पैटर्न। ओके निकालो जल्दी जल्दी से, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, खाली आप और पेंसिल हाथ में रखोगे, पहले आप समझोगे क्या करना है हमें, ठीक है। नंबर पैटर्न, वैसे आप लोगों ने पैटर्न के बारे में पढ़ा है थर्ड क्लास में भी, सेकंड क्लास में भी, है ना, तो आज हमें फिर से पढ़ना है। ओके, पैटर्न्स आर क्रिएटेड व्हेन फिगर्स शेप्स ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। पैटर्न्स क्या होता है, जब कोई भी शेप या कोई फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट, मींस कि कोई भी चीज, ठीक है, उनको अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, फिर वो जब क्या होता है, रिपीट होता है बार बार, ठीक है, उसी को बोलते हैं पैटर्न। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या शेप हो, कोई भी फिगर हो, उनको हम क्या करते हैं, ऑर्डर में हम उनको रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट बार बार रिपीट करते हैं, दैट आर कॉल्ड पैटर्न्स। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है वन, ठीक है, वन के बाद क्या है, थ्री, है ना, मीन्स यहाँ पे कितनी डिफरेंस है, टू की, वन टू वन की डिफरेंस है, वन वन के बाद क्या आता है, टू, बट टू नहीं है थ्री है, ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे कितने नंबर की डिफरेंस है, ओनली वन, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री के बाद क्या है, फाइव, फाइव के बाद सेवन, अब सेवन के बाद क्या आएगा, अब यही पैटर्न हमें कंटिन्यूअसली लिखना है, यानी रिपीट यही पैटर्न करना है। वेरी गुड, नाइन आएगा हाँ यहाँ पे आएगा नाइन, ठीक है, देन नाइन मैम, के बाद, आएगा हेलो, नाइन, वेरी मैम, गुड, इलेवन, देन इलेवन के बाद थर्टीन, फोर्टीन, थर्टीन, हाँ मींस ये है, हाँ ये होता है फिफ्टीन, पैटर्न, इसको हम क्या करते हैं रिपीट। ओके इसको हम लिखते हैं वापस, लिखते हैं बार बार, ठीक है, देन उसके बाद अब देखो दूसरा क्या है, फाइव, फाइव के बाद है टेन, अब यहाँ पे कितनी डिफरेंस है, फाइव की, फाइव प्लस फाइव होते हैं ना टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिर ट्वेंटी, मैम, वेरी गुड, 20 के बाद आएगा ट्वेंटी 25, फाइव, फिर वेरी 30, गुड, फिर प्लस 35, फिफ्टीन, 35, बस 40, 45, 50, 55, हाँ, अगर यहाँ पे अब और होता तो आता 35, लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है, मीन्स 30। नाउ नेक्स्ट आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी फिगर, यहाँ पे देखो अब ये क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, फिर क्या आएगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल, क्या मैम आएगा, रेक्टेंगल, फिर मैम आएगा ट्रायंगल, मैम क्या निकाला है, मैं भी ट्रायंगल, नीचे से आया, मैम मैम फिर रेक्टेंगल, से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, वेरी गुड, ठीक है, आप देखो दूसरा यहाँ पे, आप देखो अब उसके बाद क्या है, लास्ट वाला देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ही है, सर्कल है छोटा सा, फिर उसके बाद क्या है, वन है, फिर उसके बाद क्या है, कितने हैं, फिर उसके बाद कितने, वन टू थ्री, क्या आएगा, वन टू थ्री एंड फोर, फिर उसके बाद फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर उसके बाद सिक्स, वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके ये हो गया पैटर्न, ठीक है, वन टू फिर टू फिर थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके क्लियर हुआ इतना, मैम, ओके जरा ये मैम, मैम हाँ बोलो, मैं भी आया, निकलना क्या, चैप्टर नंबर 15 नंबर मैं भी पैटर्न, आया चैप्टर नंबर 15 निकालो, ये अभी मैं खाली समझा रही थी, इसमें अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, पैटर्न के एक्सरसाइज, बारे में समझा रही थी, पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एक्सरसाइज, ये हो गया, समझ में आप कैसे करना होता है, क्या होता है पैटर्न, यस मैम, फोर्थ क्लास, यस सर आप मैम, माइक्स बांट दीजिए, सारे बच्चे आप लोगों की यस माइक्स क्यों ऑन पे है,
हाँ आपको जिसकी मैं माइक देखूंगी अनम्यूट पर उसको मैं क्लास से बाहर करूंगी। तहरीन आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? रोल नंबर 8 अब्बास। ओके ये हो गया पैटर्न। अब आप देखो माइक बंद कीजिए। देखो अब जो हमारी एक्सरसाइज है ठीक है 15.1। हियर आर सम पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं। ऑब्जर्व एंड कंटिन्यू द पैटर्न, ये हमें देखना है फिर उसके बाद हमें इसको कंटिन्यू करना है। आप देखो ये एक पैटर्न है, अब देखो ये कैसे है, फिर उसके बाद आफ्टर दैट कैसे है, फिर कैसे है, अब आप बोलो अब इसके बाद क्या आएगा। ठीक है अब सीधा हाँ फिर उसके बाद ठीक है। फिर दूसरा है आप देखो ये क्या है, दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है, खाली वन स्लांटिंग लाइन है, वन लाइन है ना। फिर दूसरे में क्या है, कितनी लाइंस है, टू टू है ना। फिर उसके बाद कितनी है, ट्रायंगल बन गया है ना, मींस कि इसमें थ्री लाइंस है। फिर उसके बाद क्या आएगा, खाते में है वन, खाली एक स्लांटिंग लाइन है, आफ्टर दैट टू स्लांटिंग लाइंस है, फिर उसके बाद ट्रायंगल बन गए, मींस कि इसमें थ्री लाइंस है। फिर उसके बाद क्या आएगा, मैम आएगा स्क्वायर स्लॉट लाइन, हाँ मींस कि इसमें चार लाइंस अब आएंगी। हाँ फिर उसके बाद वेरी गुड, फोर साइड्स इसमें है, पहले खाली एक ही था, वन साइड, फिर दो साइड, फिर थ्री साइड, देन फोर, फिर उसके बाद फाइव साइड। ठीक है वेरी गुड, हुए फाइव साइड्स, मींस पेंटागन। ठीक है फिर फाइव साइड्स के बाद क्या आएगा, सिक्स साइड्स है ना। हाँ वन ऐसे अब बनाओगे, इसको बनाओ आप ठीक है। वन टू थ्री फोर मीन्स पहले वन साइड था, देन टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, ठीक है हो गया इतना साफ ये करना। छोटा सा वन स्क्वायर, फिर उसके बाद कितने हैं, वन स्क्वायर पहले, उसके बाद क्या है, इसमें आप क्या करोगे, अब यहाँ पे पहले कोई किसी में शेड है ना, फिर यहाँ पे ऐसे आप करोगे रोल नंबर 24 आपको क्लास से बस अब आपको माइक अगर अनम्यूट तो होगी ना आपको मैं क्लास से बाहर करूंगी, याद रखना इससे डिस्टर्ब होता है ना पूरे क्लास को। मैम आप फिर से बोलिए मैम, मुझे आपने क्लास लीव हो गई थी। ओके देखो पैटर्न इसको हमें कंटिन्यू करना है ठीक है। यहाँ पे वन साइड था, फिर टू साइड्स, थ्री फोर बनेगा, फिर ऐसे ही, फिर फोर के बाद क्या आएगा फाइव, फिर ऐसे ही सिक्स, फिर यहाँ से जो है एक छोटा सा स्क्वायर है, फिर उसके बाद टू है, फिर थ्री स्क्वायर्स, फिर फोर, अब क्या आएगा फाइव। ठीक है यहाँ पे फाइव स्क्वायर्स आएंगे, सॉरी फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव आएगा ठीक है। यस मैम, हाँ फाइव क्योंकि फोर तक है यहाँ पे, फोर तक, वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है। तो इसमें आए शेड सब देखोगे तीन में आएगा ठीक है, साफ साफ लिखना आया ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, देन फाइव के बाद क्या आएगा, सिक्स आएगा ना, हाँ सिक्स, ये आप साफ साफ लिखना, वन टू थ्री
सिक्स, इसमें भी फिर देखोगे शेड करोगे ऐसे ही। ओके हुआ इतना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पार डी जो है, पार डी आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बना के है ये, और इसमें दो डायगनल्स है, ठीक है, वन एंड टू, ये है पहला वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर से स्क्वायर है लेकिन इसमें एक ही है फिर डायगनल, ठीक है। फिर और एक स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं है, मत है, आप देखो पहले में दो है, फिर वन है, फिर कुछ नहीं है, मत है, फिर उसके बाद एक और साइड नहीं है। आप फिर उसके बाद क्या आएगा, एक साइड खत्म, मींस कि इसको काम कम होता जाता है ना, एक एक साइड। यहाँ पे देखो आप, पहले ये पूरी एक फिगर है, इसमें दो डायगनल्स है बीच में, फिर एक ही है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, मत है, फिर एक स्क्वायर, फिर स्क्वायर का एक साइड ही नहीं है, मत है, एक साइड काम हुआ है। फिर आप क्या होगा यहाँ पे, आप दूसरा साइड इसका काम होगा, है ना, ऐसे, ठीक है। बस मीन्स कि अब ये वाला साइड खत्म, अब ये वाला साइड भी खत्म, जो इसका ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, मीन्स कि अब और एक साइड खत्म, अब और एक साइड हो जाएगा खत्म इसमें, मीन्स कि अब खाली ये आएगा, ठीक है, अब ये वाला साइड भी खत्म, ठीक, लास्ट में रहेगा खाली ऐसे। आया समझ में? आप जरा ये पार्ट्स करो, जो ई पार्ट है आप इसमें देखो, आप मैंने किया, ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसमें देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव, फिर है वन टू थ्री फोर, फिर है थ्री, फिर क्या आएगा टू, फिर दो ही आएंगे, ठीक है, फिर टू के बाद क्या आएगा, खाली वन ही आएगा, वेरी गुड। फिर अब ये भी खत्म, अब एक ये रहेगा, ठीक है, किया। हाँ, फिर उसके बाद देखो एफ वाला पार्ट, वेट, फिर एफ वाला पार्ट क्या है, आप देखिए ना दिया जहरा का, मैंने वेट कीजिए, आप देखो, आप देखो, मैं दिखा रही हूँ ना, आप देखो, आप चेक करो, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा है। फिर सर्कल है एफ वाला पार्ट, इसमें एक डॉट है, फिर दो डॉट्स है, फिर थ्री एंड फोर, फिर फोर के बाद क्या आएगा, फाइव, मैं फाइव, हाँ वेरी गुड, ऐसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर फाइव के बाद क्या आएगा, सिक्स, ऐसे ही डालोगे, ठीक है। अब देखो जो लास्ट वाला पार्ट है जी पार्ट, इसमें आप देखो ये भी स्क्वायर है, इसमें अंदर से भी है ना, एंड साथ ये है तो, और एक डॉट है, इसमें पॉइंट एक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया है। फिर यहाँ से क्या है, एक साइड अंदर की जो एक लाइन है वो नहीं है, फिर उसके बाद दूसरी वाली भी नहीं है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इन दोनों में से एक लाइन खत्म हो जाएगी, है ना, अब खाली एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन भी खत्म, ओके, ये वाली लाइन भी खत्म, तो लास्ट में रहेगा स्क्वायर। आया समझ में? मैंने किए सारे पार्ट, मैंने भी किए सारे पार्ट, वेरी गुड, समझ में आया, समझ में आया, मैंने भी किए सारे पार्ट, यस मैम, मुझे समझ आया, ओके, मैंने किया। सुनो मेरी बात, जो अब आप लोगों की होमवर्क है ना, इंशाल्लाह कल हमें अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जो अब आप लोगों की होमवर्क है ना, इसमें मैंने बोला था जो ये वाला चैप्टर है एक्सरसाइज, ये करोगे आप खाली बुक पर करना है, कॉपी पर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री ओनली, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। बस ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, दैट इज बुक वर्क, ओके, ये आप बुक पर लिखोगे। आप लोगों आप लोगों ने नंबर पैटर्न का नहीं है, आप देखो जो हमने कल एक्सरसाइज खत्म की 14.3, उसका क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है मैम, जो डिवाइड द फॉलोइंग के बाद है। हाँ लिसन, आप लोगों ने सीखा है मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो बस मल्टीप्लाई करना है इसमें,
और डिवाइड भी आप लोगों ने सीखा है, डिवीजन। मेरे को अभी पे करना है किन बुक पे? नहीं, ये बुक वर्क है, आप ऐसे बुक पर करोगे बस, कॉपी पर ये कितने पार्ट करने हैं? बुक पे करना है कि मैम इसके बराबर है, सारे पार्ट करने हैं। हाँ, आप मेरी बात सुनो, आप चुप करके बैठो, लिसन टू मी फर्स्ट। मैं बोल रही हूँ ना क्या करना है आपको, ये खाली आपको बुक वर्क है, आपको बुक पर करना है, ठीक है? कॉपी पर ये कुछ नहीं आपको करना है। इसमें एफ पार्ट तक है, तो बस खाली इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोगों ने सीखा है मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वो आप करोगे। और इसमें डिवीजन भी है, तो डिवाइड भी आप लोगों को मैंने दिखाया है कैसे करना है, वो भी आप रफ कॉपी पर करोगे। इसके लिए आप रफ यूज करोगे, फिर जो आंसर निकलेगा वो आप लिखोगे इन ब्लैंक स्पेसेस में, ठीक है? तो बस ये आप लोगों के लिए इतनी ही होमवर्क है। तो और अब जो हमने क्लास वर्क का किया आज, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप अपनी कॉपी पर बना के रखोगे इंडेक्स, डेट लिखोगे आज का, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 15 एंड टॉपिक नंबर पैटर्न, और मैं आपको ये सेंड करूंगी ग्रुप में अभी, ठीक है? ये खाली इतना लिखना है आपको अपनी कॉपी पर, ठीक है? लेकिन पहले आप बनाओगे इंडेक्स, डेट, चैप्टर नंबर, टॉपिक, फिर उसके बाद ये लिखोगे, बस इतना ही काम आपको कॉपी पर आज लिखना है। आया समझ में? इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज होगी तो वो हमारी कॉपी वर्क होगी, ठीक है? यस मैम। ओके, आया आप समझ में? यस मैम। ओके, और मत किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम वो मुझे आई नहीं करने, क्या है मैम वो मुझे आया नहीं करने। किसमें? मैम डिवाइड आया। देखो लिसन टू मी, जैसे जब जरा वहां से शोर आ रहा है, बस अभी करना, मैं क्लास से बाहर करूंगी आपको। कितनी बार आप लोगों को बोलना पड़ता है? देखो आप ट्राई करना, मैंने बोला वो पहले आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कल मोहम्मद नबील ने बोला मुझे, उसका आंसर गलत निकला, फिर आप उसको मैंने वो सेंड किया था, वो देखा फिर नबील, वो चेक किया, फिर कहां पे मिस्टेक थी आपकी? हाँ, जो सेकंड नहीं थी उसमें। हाँ वही वही, देखो आप भी फरदीन, आप देखना पहले, चेक करना, आपको भी कहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो दैट इज वाई। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा, ठीक है, मुझे आप वो सेंड करना, मैं देखूंगी कहाँ पे मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर आपको वो खुद दिखाऊंगी, ठीक है? जैसे मैंने कल नबील को सेंड किया। ओके, आप चेक करना फिर एक बार, आप देखना पहले, आप उसको अगर पैसा भी है तो, रुपीज भी है तो रुपीज को पहले आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, आफ्टर दैट आपको फिर ऐड करना है, अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई, अगर डिवीजन होगा तो डिवाइड, ठीक है? ओके, लिसन योर अटेंडेंस फर्स्ट। मैम आज कौन सेंड करनी? और बाकी जो आप लोगों ने पढ़ा, जितना भी हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, मैं आपको रोज बोलती हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप चेक करेंगे, उस बच्चे को पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे कंफ्यूजन अगर होगा तो वो बोल सकता है फिर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप चेक करोगे कहीं पे मत कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक मत है, मतलब कंफ्यूजन मत है कहीं पे, वो आपको तब पता चलेगा जब आप करोगे प्रैक्टिस, ठीक है? खाली मैथ्स में नहीं, आप हर एक सब्जेक्ट चेक करोगे, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट इज वाई। इंशाल्लाह आपको आप फिफ्थ क्लास में जाना है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ठीक है? ओके, योर अटेंडेंस बॉयज, boys first, boys roll number 1, boys, yes ma'am, 2, present, present, present,
इमरान अली क्या बात है? मैम थ्री प्रेजेंट, फोर फाइव सिक्स, मैम थ्री प्रेजेंट है. ओके सेवन एट प्रेजेंट मैम, नाइन प्रेजेंट मैम, सॉरी ओके नाइन टेन मोहम्मद अंसर, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन मैम, 15 सरफराज, 16 जीशान अली, 17 मोहम्मद एहसान, 18 19 मुंतजर मेहदी, 20 फाजिल, 21 25 शहनवाज, 26 27 28 29 आपको एब्सेंट आज बस आपका ध्यान कहाँ होता है? आपको एब्सेंट मार्क लगा, आप रोज ऐसे ही करते हो, आप नहीं अटेंडेंस करते हो अपने टाइम पे, आप पता नहीं खेलते रहते हो, आज आपको अब एब्सेंट मार्क लगा, फिर आपका ध्यान कहाँ था? मैंने नहीं बोला पहले ही बॉयज की अटेंडेंस हो रही है, बस अब आज आपको एब्सेंट मार्क लगा. 30 आपने थोड़ा तेज, नहीं मैंने नहीं तेज बोला, रोल नंबर 30 बस चुप, 30 रोल नंबर 30 मुहिब, 31 मोमिन, 32 34 बाजिल रियाज, 35 36 मोहम्मद नबील, प्रेजेंट मैम, ओके 37. नाउ गर्ल्स लिसन योर अटेंडेंस, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम. मैम मेरी मामा आपसे कुछ बोल रही है. एक सेकंड पहले वेट, एक सेकंड पहले अटेंडेंस सुनो, एक सेकंड. रोल नंबर 2 3 तुहा ज़हूर, प्रेजेंट मैम. 4 नादिया, 5 प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, 7 प्रेजेंट मैम, 8 9 मैम रोल नंबर 7 एनल फातिमा प्रेजेंट. ओके ओके रोल नंबर 10 11 आमिना मंजी, 12 13 14 15 16 17 अक्सर जान, 18 प्रेजेंट मैम, 19 20 प्रेजेंट मैम, 20 प्रेजेंट मैम, ओके 21 22 23 24 25 26 Zainab, 27 28 29 30 present ma'am, 31 Bintu Huda, 31 32 33 ओके. तो ये काम करना ठीक है, आप जो आज मैंने होमवर्क दिया वो आप करो ठीक है मैम. मेरी मम्मा आपसे कुछ कह रही है मैम, आज काम सेंड कर.